एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी। अभी तो मैं करने नहीं लगी हूँ क्योंकि मैं अभी रख रही हूँ यहाँ पर चाय किचन में। तो मोक्ष के पापा जी की आज छुट्टी है, तो उन्होंने छुट्टी ली हुई है, तो वो जाएंगे प्लॉट पर, तो मैं वहाँ पर उनके लिए चाय बना रही हूँ। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं तो उनके लिए घर से चाय जाती है, और घर की चाय अच्छी भी होती है, तो बाहर की चाय में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पर मॉर्निंग में डेली इस चाय को बनाती हूँ। तो यहाँ पर चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो फिर मैं उसको कर रही थी। और रात ही ग्रोसरी का सामान भी आया था, तो वो भी अभी किचन में ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि रात हमें काफ़ी लेट हो गई थी और किशु भी रोने लग गया था, तो फिर मैं उसको लेकर लेट गई थी। तो फिर मैंने किचन का जो सामान ग्रोसरी का आया था, तो फिर मैंने वो रखा नहीं था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक किचन में। तो मैंने उसे मॉर्निंग में ही खोला है। थोड़ा बहुत सामान जो नहीं था तो वो मैंने निकाला है उसमें से। और यहाँ पर मैं अभी कट कर रही हूँ आलू, तो मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में पकौड़ी। तो मैंने यहाँ पर प्याज भी छीली हुई है, तो मैं यहाँ पर प्याज डालकर बनाऊँगी आलू की पकौड़ियाँ। तो मैं आलू उबालकर भी बनाती हूँ पकौड़ी, तो वो अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, मतलब मोक्ष के पापा जी तो चले जाएंगे, तो वो तो मना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए फिर, लेकिन बच्चों को तो देना ही होता है। तो मोक्ष भी बोल रहा है कई दिन से पकौड़ी के लिए, तो फिर मैं ऐसे ही बना दूँगी थोड़ी बहुत। और मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब है, तो मैं वहाँ पर भी दे आऊँगी पकौड़ी नाश्ते के लिए। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई को पहले ही चढ़ा दिया, तो तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा। तो मैं जब तक इसमें बेसन वगैरह, मतलब घोल को तैयार करूँगी, क्योंकि सारा सामान तो रेडी हो चुका है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, तब तक तेल गर्म हो जाएगा जब तक मैं इसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है, और साइड में वो कटोरी रखी हुई है, तो उसमें चावल वाला आटा है, जो चावल का आटा होता है, तो वो मैं इसमें मिक्स करूँगी, तो उससे पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी आते हैं, कुरकुरी। और मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसमें मसाले, तो हल्दी नमक मिर्च मैं डाल रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूँगी, तो पहले तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मैं पानी बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि आलू में भी थोड़ा, मतलब पानी सा होता है जैसे हम आलू को वॉश करते हैं काटने के बाद। तो फिर मैं पहले उसको ऐसे ही मिक्स करती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा गीला गीला हो जाता है आटा हमारा, तो फिर मैं बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, लगती है, तो मैं बाद में पानी ऐड करती हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड की है, मैं हरा धनिया नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर मोक्ष निकालने में ही रह जाता है, तो वो छाँटता बहुत है चीज़ों को, कि ये निकालो इसमें से, ये निकालो। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, तो कसूरी मेथी का तो पता नहीं चलता है फिर बाद में इतना, और टेस्ट आ जाता है कसूरी मेथी से भी। तो बस यहाँ पर मैं मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था, तो बस मैं साथ के साथ ही, यहाँ पर किचन की शेल्फ़ गंदी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है जब हम कुछ बनाते हैं, तो मैं इसको साथ के साथ ही क्लीन कर दूँगी। और किशु है अभी बाहर, तो पापा जी ले गए हैं उसको, तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं तब तक पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई को पहले ही चढ़ा दिया था, तो थोड़े थोड़े काम, मतलब साथ के साथ लेकर चल लो। तो उसमें मैंने, बल्कि गैस बंद की हुई थी जब मैंने कढ़ाई को रखा हुआ था, तो मैं घोल भी आराम से ही बना रही थी, मुझे मतलब जल्दी तो थी नहीं इतनी कि जल्दी जल्दी फटाफट, तो यहाँ पर इसलिए मैंने गैस को कम कर दिया था कि धीरे धीरे गर्म होता रहेगा ऑयल। तो फिर जब मैं बनाने लगी, तो मैंने ऑयल को, मतलब गैस को तेज कर दिया था। तो बस अब मैं फटाफट से उतार लूँगी पकौड़ियाँ, और मोक्ष तो यहीं पर ही है मेरे पास, और मोक्ष के पापा जी जा चुके हैं, तो वो चाय वगैरह बस लेकर गए हैं, और थोड़ा बहुत सैलेड वगैरह, तो लंच वो आज लेकर नहीं गए हैं। जिस दिन वो लंच लेकर जाते हैं, तो उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में रोटी सब्ज़ी, मतलब दाल वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं, खाना बनता है एक तरीके से। और जिस दिन छुट्टी होती है, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ जो ब्रेकफास्ट में ही यूज़ हो जाती हैं बस, तो लंच के लिए तो फिर मैं अलग से बनाती हूँ कुछ और। We'll be right back.
और अभी पूरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, हमने लगा लिया है अपनी प्लेट। तो मोक्ष और मैं मतलब दोनों ही लगे हुए थे कि वो कह रहा था कि मम्मा आप पकौड़ी रख दो, तो मैं यहाँ पर इसमें सॉस खुद से डालूँगा। तो वो खुद से डाल रहा है, वैसे उसको निकालना नहीं आता है पाउच से, जो मतलब ये होता है पिचकू सॉस है ये, तो इसको निकालना नहीं आता है मोक्ष को, तो फिर वो यहाँ पर खुद से ही निकाल रहा है। तो बस अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पर मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो किशु मेरे पास ही खेल रहा है और आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। तो बच्चों के साथ सब कुछ मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है, तो और मैं पूरी मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स के साथ, तो और मैं मतलब बच्चों के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी, अपने घर मतलब घर को भी लेके चलती हूँ। तो घर में भी सारे काम करने होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो और मैं मतलब अपने घर को भी क्लीन रखती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। अब तो मोक्ष भी स्कूल नहीं जाता है, तो बच्चे जब घर पर होते हैं तो और ज़्यादा परेशान करते हैं, तो व्लॉग्स बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी मुझे। और मैं यहाँ पर अब मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं खुद ही मतलब मेहनत करती हूँ अकेली, तो और भी मेरी तरह लेडीज़ हैं मतलब औरतें हैं जो खुद मतलब सारे कामों को लेकर चलती हैं और अपने लिए भी कुछ करना चाहती हैं, तो वो भी मेहनत कर रही हैं। और मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तभी मैं यूट्यूब पर आई हूँ। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाना, तो मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग वीडियोस ओपन कर देते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती देखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो ही मेरी वीडियोस को ओपन करें, ऐसे मेरे चैनल को बर्बाद मत करें। तो मैं मेहनत करती हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ मैं मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स बनाने में, और अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर चलती हूँ। तो सभी लेडीज़ इस तरह से ही करती हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो सभी लेडीज़ मेहनत करती हैं, घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन किसी के भी साथ ऐसा मत कीजिए। तो मेहनत लगती है हर काम में, तो किसी की मेहनत को ऐसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है व्लॉग्स देखना तो ही ओपन कीजिए व्लॉग्स को, और अगर जिन लोगों को अच्छा भी लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करना मतलब कोशिश करती हूँ, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों के। क्लीन करने के बाद मतलब मैं चादर वगैरह डालकर आई थी, झाड़ू तो मैंने अभी नहीं लगाई है, तो मैं बेड से ही कर देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर किशु को सुलाना होता है मुझे, तो बेड क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो रात का सामान है तो उसको खाली कर रही हूँ, और सब्जियाँ वगैरह मैंने धुल कर रख दी हैं, तो फिर मैं बाद में उनको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं साबुन रख रही हूँ बॉक्स में, तो मैं साबुन वगैरह भी इसी में रख देती हूँ, तो फिर ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो मैं साबुन के लिए भी मैंने अलग से बॉक्स रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर जो मतलब अब मैं किचन को क्लीन कर दूँगी, तो मैंने जो सामान था वो सारा हटा दिया है। और यहाँ पर मैं एक दो बॉक्स खाली हो गया, तो मैं इनको भी धो दूँगी। तो मैं देख रही थी कि शायद एक और बॉक्स खाली हो गया था, तो बस अब मैं किचन को क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मेरी जो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट होती है, तो वो गैस से ही स्टार्ट होती है। तो मैं गैस को मतलब सारी शेल्फ़ को इकट्ठा कर देती हूँ, मतलब जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, तो पहले उसको खाली करके मैं गैस को क्लीन करती हूँ। तो गैस को क्लीन करने के बाद मैं शेल्फ को साफ करूँगी अच्छे तरीके से, और मैं किचन के लिए कपड़ा अलग से रखती हूँ पोछे को। तो जो गैस के लिए मैं पोछा रखती हूँ, तो वो मैं किचन की शेल्फ पर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं दोनों के लिए अलग यूज़ करती हूँ, शेल्फ के लिए अलग करती हूँ और गैस के लिए अलग यूज़ करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ये जो सामने वाली शेल्फ है जिस पर बॉक्स रखे हुए हैं, तो मैं इसको भी साफ़ करती रहती हूँ, तो ये साफ़ बनी रहती है हर टाइम। तो अच्छा भी लगता है किचन में काम करते हुए, और मन लगता है, हर चीज़ अगर क्लीन होती है हमारी तो काम करने में उतना ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और सभी लेडीज़ को अपने किचन में घर में सबको सफाई अच्छी लगती है, तो किसको सफाई अच्छी नहीं लगती है।
तो बस मेरा आज का ये व्लॉग इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में।